इमेजिन करो कि तुम बहुत बड़ा ब्रांड बना देते हो जिसको बच्चा बच्चा जानता है। तुमने ये ब्रांड बनाने के लिए 9 साल अपनी लाइफ के लगा दिए, 3000 करोड़ तुमने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी लगा दिए, और आखिर में जब मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं तो तुम एक झटके में वो नाम, वो ब्रांड नेम बदल देते हो। तुम लोग सोच रहे हो ना कि कोई अपनी सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कैसे कर सकता है, बट गाइज ऐसा एक्चुअल में हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रोफर्स की, जिसका नया नाम है ब्लिंकिट। अब टॉप मैनेजमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कोई बड़ा रीजन तो रहा होगा ना। तो गाइज तुम लोग जानते ही हो कि क्विक कॉमर्स का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो ग्रोफर्स ने अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए हेड टू टो सब कुछ बदल दिया, ये सोच के कि अब तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होगी। मगर गाइज ऐसा हुआ नहीं। ग्रोफर्स जो 9 साल तक सर्वाइव किया, उसको रीब्रांड करने के बाद 1 साल तो छोड़ो, 3 महीने के अंदर ही कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको बेचना पड़ा। देखने वाली बात यह है कि जोमैटो अब ब्लिंकिट को कैसे चलाता है।